अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है और आज इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स, जिसमें से हमने एक टाइप के बारे में स्टडी किया था और वो टाइप पड़ी थी डाइपोल डाइपोल फोर्स। उसी टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। नंबर 2, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दूसरी टाइप है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स कब बनेगी, इसके लिए भी पहले कंडीशंस याद करें कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होगी, जिसमें से एक मॉलिक्यूल होगा पोलर प्लस दूसरा मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। ये कंडीशन याद करेंगे कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ये कब होगी, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक मॉलिक्यूल पोलर होगा, दूसरा कौन सा होगा, नॉन पोलर होगा। तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे कहेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स कहा जाएगा। ये फोर्स कैसे क्रिएट हो सकती है, चले एक मॉलिक्यूल तो पोलर है, एक मॉलिक्यूल की बात तो कर दी पोलर है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, जिसमें दो मुख्तलिफ एटम्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। जब ये करीब आएगा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता, जैसे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल दरमियान में न्यूक्लियस होगा इसके और साइडों पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पर होता क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इस पोलर मॉलिक्यूल का जो मौजूद होगा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जबकि पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे, तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जबकि पोलर के इलेक्ट्रॉन नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे तो यहां पर चार्ज बन जाएगा नेगेटिव और दूसरी साइड अपने आप बन जाएगी पॉजिटिव, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था ये भी डाइपोल बन गया, ये भी पोलर बन गया, लेकिन इसमें जो डाइपोल है वो इंड्यूस कराया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है, तो इसका नाम होगा इंड्यूस डाइपोल। ये इंड्यूस डाइपोल जो किसके अंदर मौजूद है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल नॉन पोलर था लेकिन क्या हो गया उसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हो गया, ये पोलर बन चुका है, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल पोलर हो वैसे का वैसा रहेगा, जिसे हम परमानेंट डाइपोल कहा जाता है, पोलर मॉलिक्यूल इसे परमानेंट डाइपोल भी कहा जाता है, परमानेंट डाइपोल होगा। तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी, ये पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी इसे कहेंगे डाइपोल, कि एक मॉलिक्यूल तो डाइपोल है, दूसरा मॉलिक्यूल इंड्यूस डाइपोल है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, दूसरे मॉलिक्यूल द्वारा डाइपोल को इंड्यूस कराया गया है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम देंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जिसकी डेफिनेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन परमानेंट डाइपोल ऑन द वन मॉलिक्यूल एंड द इंड्यूस डाइपोल अदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल का इंड्यूस डाइपोल आपस में जो अट्रैक्शन करेगा उसे नाम दिया जाएगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। वो भी जो मैंने रीजन बताया है बुक में भी लिखा हुआ है कि पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को, जिससे उसके अंदर भी डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। तो ये इसे डिबाई फोर्स भी कहते हैं, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट इसे यहाँ कंप्लीट करेंगे, डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो टाइप है वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। इंड्यूस तो समझ लिया आपने, इंड्यूस जब हम डाइपोल को इंट्रोड्यूस कराते किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, उसके बाद है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन होगी, मॉलिक्यूल कौन से होंगे, यहां पर कंडीशन है कि दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर, यहां पर दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होंगे, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग नहीं है उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। वो कैसे पॉसिबल है, जैसे हीलियम है, हीलियम नॉन पोलर है, हीलियम नॉन पोलर है, जब हीलियम का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आएगा
तो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहां पर बात समझेंगे कि हीलियम का जब एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, जब दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आएगा, इसमें क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम एक मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा होता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो हीलियम के मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे तो पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां पर डाइपोल डाइपोल बन गया और इस डाइपोल का नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये डाइपोल कौन सा बनेगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्योंकि ये डाइपोल बहुत कम वक्त के लिए प्रोड्यूस होता है, कुछ लम्हे के लिए होगा, तो इसलिए इसका नाम होगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे होते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल जब प्रोड्यूस हुआ, अब इसमें क्या होगा, ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल था ये हमने बना दिया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जिसके अंदर चार्ज कौन सा हो गया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल है। अब ये जब इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, जब इसके करीब कोई और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हीलियम का कोई और नॉन पोलर मॉलिक्यूल करीब आएगा तो ये क्या करेगा, तो ये इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलर में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कर देगा, यहां देखो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल था, इसका जो नेगेटिव होगा ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे, जबकि इसका पॉजिटिव एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएंगे, ये बन गया इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले जाएंगे, जबकि पॉजिटिव एंड एक तरफ जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो यहां पर भी डाइपोल इंड्यूस करा दिया गया है, तो इसका नाम बन जाएगा इंड्यूस डाइपोल। ये क्या बन जाएगा, इंड्यूस डाइपोल, जबकि पहले वाला मॉलिक्यूल कौन सा था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, कुछ लम्हे के लिए इसने डाइपोल क्रिएट हुआ, हालांकि दोनों ही नॉन पोलर थे लेकिन अब दोनों ही पोलर बन गए हैं कुछ लम्हे के लिए। एक पहला जो मॉलिक्यूल बनेगा वो इंस्टेंटेनियस कुछ लम्हे के लिए बनेगा, और जो दूसरे मॉलिक्यूल को भी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर पोलर करेक्टर इंट्रोड्यूस करा देगा, जो इंस्टेंटेनियस है यह बन जाएगा इंड्यूस डाइपोल। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसे नाम देंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल का नाम दिया जाता है। ये जब द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोमेंट्री एक लम्हे के लिए होगी बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड द इंड्यूस डाइपोल, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास टाइप्स होंगी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इसकी अलग अलग डेफिनेशन डायग्राम ड्रा करें, पहले समझे कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है, फिर इंस्टेंटेनियस से इंड्यूस कैसे प्रोड्यूस होगा। यहां तो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, अल्लाह हाफिज़।